हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं हेयर स्टाइलिंग में। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि फर्स्ट डे हमारा एक्चुअली आज, तो फर्स्ट डे हम सेक्शनिंग के बारे में सीखते हैं स्टाइलिंग में। तो कितने टाइप्स के सेक्शन होते हैं और क्या एंगल होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो आप जो भी नए हो चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे सेक्शनिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कितने टाइप्स के सेक्शन होते हैं और एंगल क्या होते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज, अगर बेसिक फंडामेंटल ना आपके नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी, तो आपको आगे भी स्टाइलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हमारा फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग हम आज काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टाइलिंग में सेक्शन एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। पहले हम थ्योरी, उसके नेक्स्ट पार्ट पे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। तो थ्योरी में सबसे पहला होता है सेक्शन एंगल। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, याद रखो, थ्योरी बनानी बहुत ज़रूरी है, बिना थ्योरी के काम नहीं हो सकता। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में परफेक्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला आता है आपका सेक्शन एंगल। तो हमारे बेसिकली थ्री टाइप्स के ही एंगल होते हैं स्टाइलिंग में। सबसे पहला होता है आपका हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, एंड थर्ड नंबर पे होता है आपका डायगोनल। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्या होते हैं, वर्टिकल सेक्शन क्या होते हैं और डायगोनल सेक्शन क्या होते हैं, ये एंगल होते हैं एक्चुअली। ये सेक्शन नहीं होता, ये एंगल होता है। हमने डायग्राम बनाया, ये हमारा साइड एरिया है, इसको हम साइड बोलते हैं। तो कोई भी सेक्शन हम ऐसे लेते हैं लेटा हुआ, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, ठीक है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे, फिर आता है वर्टिकल सेक्शन। तो वर्टिकल सेक्शन आपका, ये आपका कान है, ईयर, तो ऊपर से नीचे सेक्शन कोई भी हम लेंगे तो वो वर्टिकल सेक्शन होता है। तो ये होता है हमारा वर्टिकल सेक्शन। एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका डायगोनल। डायगोनल कुछ भी हो सकता है आपका, राइट फॉरवर्ड, जो भी तिरछे स्लांट सेक्शन होते हैं लेते हैं हम डायगोनल, यानी कि थोड़ा सा तिरछा होता है वो, राइट साइड से भी नीचे की साइड डाउन हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी नीचे की साइड डाउन हो सकता है, तो दोनों साइड से होता है वो, ठीक है, तो वो डायगोनल सेक्शन होते हैं, डायगोनल एंगल होते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा एंगल। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिर होता है सेक्शन एरिया, कि पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं स्टाइलिंग में। देखो, हेयर कट पे सेक्शनिंग अलग होती है और स्टाइलिंग में सेक्शनिंग अलग होती है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, हेयर कट के सेक्शन थोड़े अलग होते हैं, जिनको हेयर कटिंग आती है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हमारे दो दो टॉपिक होते हैं, एक दो, यानी कि पहला एंगल और दूसरा सेक्शन एरिया। तो ये आप थ्योरी कर रहे हैं, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने दो सेक्शन में डिवाइड करना है। तो आपको तीन डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला सेक्शन आपको, ये आपका ईयर है, कान, ठीक है, और ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। हम सेंटर पार्टीशन निकालेंगे सबसे पहले और पूरा वर्टिकल सेक्शन लेंगे पीछे तक, और कान के जस्ट ऊपर से ही, यानी कान के सेंटर से लेंगे ऊपर तक, एक कान से दूसरे कान, ईयर टू ईयर मैच करना है, पॉइंट बनाना है। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम प्रोफाइल सेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल सेक्शन। तो ये आपका मिडल होता है नोज, नोज के सेंटर से पूरा पीछे तक, और ईयर टू ईयर कान के बिल्कुल बीचों बीच में, तो इसको बोलते हैं ईयर टू ईयर।
तो ये आपका फ्रंट और बैक, ये आपका फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है इक्वल। फिर आते हैं बैक साइड और फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड में आपके पास कितने सेक्शन होते हैं उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, और बैक साइड में कितने सेक्शन होते हैं उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हमारा फ्रंट और बैक दोनों को डिवाइड करने वाला सेक्शन ईयर टू ईयर होता है, ठीक है, जो हमने प्रोफाइल सेक्शन में देख लिया। ये बेसिक सेक्शन है, नोट ज़रूर कर लेना उसको, बेसिक सेक्शन। उसके बाद सेकंड नंबर पे फ्रंट और बैक हमारा डिवाइड होगा इक्वल इक्वल। तो वर्क कैसे करना है और किस एरिया को हम क्या बोलते हैं उसको भी ज़रा ध्यान से देख लो। सबसे पहले बैक को देखेंगे। बैक हमारा कान के ऊपर से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। थ्योरी इसलिए ज़रूरी होती है दोस्तों क्योंकि थ्योरी से हम किसी को सिखाना चाहते हैं तो बिना किसी मदद से हम उसको गाइड कर सकते हैं। जैसे हमें किसी को फ़ोन से किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में कुछ समझाना हो तो हम उसको एज इट इज़ सेक्शन के नाम लेके या टेक्निक बता के हम उसे समझा सकते हैं। तो थ्योरी बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में, सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कोई काम करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। समझाने का तरीका थोड़ा ईजी हो जाता है उसमें। तो सबसे पहले हमारा बैक साइड का सेक्शन, बैक साइड में हमें कान के ऊपर से जस्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना, पूरा यहाँ से लेके पूरा पीछे तक सेक्शन लेना है। तो ये इसके नीचे जो सेक्शन बसता है हमारा, इसको बोलते हैं हम नैप एरिया, नैप एरिया, ठीक है। और ऊपर का सेक्शन हमारा बचा, इसको बोलते हैं टोटल को क्राउन एरिया, ठीक है। क्राउन में आपके पास दो सेक्शन होते हैं ऊपर से नीचे तक, इसको हाफ करेंगे इक्वल बिल्कुल। तो ऊपर वाला होता है आपका अपर क्राउन और नीचे वाला होता है लोअर क्राउन, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक दो और तीन, तीन एरिया हो गए। फिर आते हैं फ्रंट में। फ्रंट में हमारे पास आईब्रो है। आईब्रो से जहाँ से आईब्रो बैंड होता है, जहाँ से आईब्रो का आर्च बनता है, जस्ट वहाँ से स्ट्रेट सेक्शन लेना है। फिर इसके आर से स्ट्रेट सेक्शन लेना है, ठीक है। हमने सेंटर तो पहले निकाला ही था, उसको मर्ज कर देना है। तो ये सेक्शन जो होता है, ये होता है बॉक्स सेक्शन, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो टोटल हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल छः सेक्शन होते हैं। छः सेक्शनों को आपको नोट करके रखना है और किसी को समझाने के लिए इजीली होता है। तो ये तो था हमारा मोटा मोटा सेक्शन एंगल, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। दूसरा हमारा सेक्शन एरिया विद नेम। देन उसके बाद हमारा आता लास्ट का सब सेक्शन। जैसे कोई हमें काम करना हो, जैसे हमें कर्ल्स करने हो, हम किसी को बोलना चाहें कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे ऐसे कर लो तो हो जाएगा, तो ऐसे समझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को फ़ोन में समझाना हो तो वो समझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी दूर एरिया में समझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने थ्योरी का थोड़ा पैटर्न बनाया। तो इस पैटर्न की हेल्प से हम सीख सकते हैं अपनी स्टाइलिंग आगे की। तो रेगुलर अपडेट आती रहेंगी इस वीडियोस के रिगार्डिंग। तो आप जो भी नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेसिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो तो इस चैनल पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इसमें ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए ही चैनल है, तो याद रखें कोई अपना फालतू का ओपिनियन ना पूछे इस चैनल पर। तो उस चैनल पे हम सिर्फ एडवांस की स्टाइलिंग करेंगे अपने दूसरे वाले चैनल पे, और इस चैनल पे हम सिर्फ बेसिक की करेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ क्लियर कर लें अपने डाउट्स, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है बहुत से लोग स्टाइलिंग तो करते हैं बट उनको बेसिक फंडामेंटल कुछ पता ही नहीं होता, तो उनको आगे ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, वो सीख भी नहीं पाते आगे, फिर दूसरों को जाके कंप्लीट ब्लेम करते हैं कि उन्होंने सिखाया नहीं अच्छे से। सिखाएंगे जब तो आपके कोर्स के कंटेंट के अकॉर्डिंग ही होता है सब कुछ। आप एडवांस की क्लास में बेसिक नॉलेज नहीं ले सकते हो क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर और अपना ख्याल रखें, बी सेफ।